पिछले चार सालों में मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़कर रख दी। रोजगार घटने से लेकर महंगाई बढ़ने तक के लिए सरकार जिम्मेदार है। अब तक विपक्ष इन आरोपों के साथ वित्त मंत्री अरुण जेटली को आर्थिक नीति पर घेर रहा था, लेकिन अब तो बीजेपी के सांसद भी मानते हैं कि अर्थव्यवस्था को गलत नीतियों ने पटरी से उतारा है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि देश अभी ठीक स्थिति में नहीं है। अक्सर अपनी पार्टी पर बरसने वाले बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अब अर्थव्यवस्था को लेकर अपनी पार्टी को कोसा है। उन्होंने पीएम से लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में अर्थव्यवस्था ठीक स्थिति में नहीं है। विराट हिंदुस्तान संगम के एक कार्यक्रम में जेटली पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि मैं देश का वित्त मंत्री नहीं हूं, इसलिए देश के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अगर मेरे पास मंत्रालय होता तो मैं अर्थव्यवस्था को गिरने ही नहीं देता। पीएम मोदी की नीतियों पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास से वोट नहीं मिलने वाले। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी अपनी सरकार के प्रचार के लिए इंडिया शाइनिंग नारे का इस्तेमाल किया था, लेकिन वो नाकाम रहे। इसी तरह से अगर मोदी भी मेक इन इंडिया का नारा लगाते रहे तो सरकार बचाना मुश्किल है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।